कि उसका बच्चा भी होने वाला था, कुछ ही दिन में उसका बच्चा होने ही वाला था और उसके साथ इतनी बुरी घटना हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है दिल से। हमारे अनुका बाबा केदार नरसिंह, बाबा नरसिंह की कृपा हम सब पे बनी रहे। आप मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्या करें। और मैं बीड़ी नहीं पीता, तो मुझे लगा अगर मैं बीड़ी पीता तो एक फ़ायदा हो जाता। मैं एवरीवन गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। उम्मीद है दोस्तों सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे ब्लॉग का आनंद ले रहे होंगे। तो अभी सुबह के करीब 8 बजे हैं, हो गई आपके लिए एक खूबसूरत से वीडियो की शुरुआत फिर से हमारे खूबसूरत पहाड़ों से। और अभी मैं आया हूँ भगवान केदार नरसिंह की धार के ऊपर इतनी सुबह सुबह कल का वीडियो अपलोड करने के लिए। कल मैं अपना वीडियो अपलोड करने नहीं आ पाया था शाम को, इसीलिए अभी आया हूँ भाग भाग के। और आज मंगलवार है, मेरा व्रत भी है तो एक्स्ट्रा एनर्जी मेरी लगी। होपफुली आपको आजकल के व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, जो भी लाइफस्टाइल में गांव की दिखा रहा हूँ, जो भी हमारे गाँव में हो रहा है। और आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली व्लॉग लाने की। तो यहाँ पे सुबह सुबह आया और आज मेरा व्रत भी है, तो यहाँ पे भी सोचा कि मैं दिया बाती कर दूँ, लेकिन यहाँ पे माचिस नहीं थी और मैं बीड़ी नहीं पीता, तो मुझे लगा अगर मैं बीड़ी पीता तो एक फ़ायदा हो जाता, मैं भगवान जी की दिया बाती कर पाता, क्योंकि आज मेरा व्रत भी है। इतनी सुबह सुबह मैं आ भी गया हूँ तो अच्छे से दिया बाती कर सकता था यहाँ पर, बट माचिस नहीं है तो क्या कर सकते हैं, दर्शन मैंने कर दिए हैं भगवान केदार बाबा के। तो यही वो लोकेशन है जहाँ से मैं अपने व्लॉग रोज़ अपलोड करता हूँ। इवन जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है तब से मैं अपने ब्लॉग यहीं से अपलोड करता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में भारी समस्या है नेटवर्क की जो कि सॉल्व नहीं हो रही है। तो जितने भी वीडियो मैंने अपलोड करे हैं गांव से या गांव के ब्लॉग, वो ज़्यादातर मैंने यहीं से अपलोड करे हैं, बहुत समस्याओं के साथ, बहुत स्ट्रगल के साथ। वो मुझे ही पता है कि कितना देर तक यहाँ पे बैठा रहना पड़ता है। कभी कभी जब वीडियो ना अपलोड हो जाती है तो वो फिर से पीछे आती है, तो क्या बीतती है दिल पे। तो इतनी सारी समस्याओं के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़ता ही रहूँगा। तो अपनी फेवरेट लोकेशन पे मैं पहुँच गया हूँ और यहाँ से हमें माँ रेणुका के दर्शन भी होते हैं। तो माँ रेणुका बाबा केदार नरसिंह, बाबा नरसिंह की कृपा हम सब पे बनी रहे। आप मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्या कह सकते हैं। तो कर लेता हूँ मैं अपनी वीडियो और कर लेता हूँ मैं अपना ब्लॉग अपलोड और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सुबह के करीब 10 बज गए हैं, फाइनली मेरा व्लॉग अपलोड हो गया है। व्लॉग तो बहुत पहले अपलोड हो गया था, छोटा ही व्लॉग था तो जल्दी से अपलोड हो गया। अभी तक मैंने नेट चलाया, इंटरनेट चलाया, इंस्टाग्राम चलाया, व्हाट्सएप चलाया, फेसबुक चलाया, यूट्यूब पे थोड़ी बहुत वीडियो देखी और अब समय हो गया है घर जाने का, क्योंकि मुझे लग गई है भूख और मेरा फास्ट है तो कुछ मैं खाऊँगा नहीं, बट चाय पीऊँगा और अगर कुछ फल फूल होंगे तो वो खाऊँगा, फूल तो नहीं पर फल खाऊँगा। तो अभी मैं घर में पहुंचा तो मैंने देखा यहाँ पे इतने सारे बंदर आ रखे हैं ना, बहुत सारे, इतना तहलका इन्होंने मचा दिया यहाँ पे। और ऊपर से स्नूपी भी पता नहीं कहाँ जा रखा है, भाभी लोगों के किचन में घुस गए वो तो। और वो डर भी नहीं रहे, इतने ढीठ हो रखे हैं, डर भी नहीं रहे। और आज मंगलवार है, बंदरों को भगवान हनुमान जी के मुताबिक माना जाता है, उनके जैसा माना जाता है, तो आज उन्हें मार भी नहीं सकता। हे भगवान, स्नूपी भी नहीं है, कहीं वो मुझे ना मारे, उन्हें ना मारने के चक्कर में वो मुझे ना मार दे। बहुत सारे आ रखे सारे गांव में, सारी सब्जियां तहस नहस, आड़ू इधर उधर भाग रहे हैं। अभी गांव में एक दुखद सूचना मिली है, सारे लोग हल्ला कर रहे हैं। अभी ऊपर ना धार के ऊपर से नीचे, ऊपर धार जो हमारे घर से ऊपर वाली धार है यहाँ ऊपर, वहाँ से किसी का भैंस गिर गया है, तो सब लोग हल्ला कर रहे हैं गांव में कि किसका है किसका है, कोई होगा ना ऊपर, सब लोग आवाज़ दे रहे हैं। तो शायद जाना पड़ेगा देखने के लिए कि किसकी भैंस गिरी है। और ऊपर से गिरा सीधा मर गया बेचारा, जिसकी भी भैंस होगी अभी पता नहीं चला है कि किसकी भैंस है। उस पर घंटी है और खूब बड़ी भैंस है, मतलब दूध देती होगी ऑब्वियसली। तो सारे गांव में थोड़ा कोहरम समझ गया इस बात से कि किसी की भी हो तो अच्छा नहीं लगता है, तो चलो देखते हैं पता चल जाएगा कि किसकी है किसकी नहीं।
तो अभी तक जिस भैंस की गिरने की बात मैं कर रहा था उसका पता चल गया है कि वो किसकी थी, और सबसे बड़ी बात कि उसका बच्चा भी होने वाला था, कुछ ही दिन में उसका बच्चा होने ही वाला था, और उसके साथ इतनी बुरी घटना हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है दिल से, जिनकी भी वो है, भगवान उसे, भगवान उन लोगों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। और बहुत बड़ी बात होती है किसी का भैंस, बहुत बड़ी बात होती है हमारे पहाड़ में ये सब चीज़ें। खैर, और अभी मैंने लंच भी रेडी कर दिया है और आज शाम को मैं शायद मार्केट जाऊं, सोच रहा हूं मार्केट जाने की। अभी शाम के करीब 5 बज गए हैं और मेरी तैयारी हो गई है मार्केट जाने की। दिन में ही मेरा प्लान बना कि मैं मार्केट जाऊं और अभी मैं तैयार भी हो गया हूं, तो चलते हैं यहां से। आज बारिश भी नहीं हो रही है, वरना हमेशा शाम के टाइम पे बारिश होती थी। तो ऐसे ही जा रहा हूँ मैं मार्केट। अब तो मार्केट में मेरा रूम भी नहीं है। मार्च से लगभग मैं उत्तरकाशी नहीं गया हूँ, जब से मैं ऋषिकेश गया। जब भी आया तो नाकुरी से ऊपर, नाकुरी से नीचे। तो आज बहुत समय के बाद जा रहा हूँ उत्तरकाशी के मार्केट, और मेरा दोस्त मुझे लेने आ रहा है एक, उसे भी दिखाऊंगा व्लॉग में। बाकी बहुत समय के बाद जा रहा हूँ तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जाने वाले हैं, तो सबसे मिलूंगा थोड़ा 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 करके। और मार्केट जाने से पहले कर लेते हैं व्लॉग को यहीं गांव से एंड, और मार्केट जाके दूसरा व्लॉग बनाएंगे। देखते हैं क्या क्या और कितने दिनों तक मैं मार्केट में रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।